नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल जॉबस्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCI हरियाणा वॉचमैन की, जो यहाँ पे वो एडमिट कार्ड जो है आ रखी है और साथ में यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे इशू हो चुका है, तो उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम इसका कब होने वाला है और आप लोग का जो है वह एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड और कहाँ से कर पाएंगे, पूरी प्रोसेस मिलेगी देखने को यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली बार अगर चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए इसी तरह की खबर लेके आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देते हैं तमाम जानकारी डिटेल में। अब दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ हरियाणा FCI की जो है रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन एंड वार्ड की जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन है। उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे एक और नई जानकारी आई है, आप चाहे तो देख सकते हैं एडमिट कार्ड फॉर द यहाँ पे कहा गया, तो पॉपअप हो रहा है, तो थोड़ी स्पीड में चल रही है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या डिटेल है और एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो उसके लेकर यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि लेटेस्ट न्यूज इट इज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट रिटन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ऑन 3/7/2022 संडे, एडमिट कार्ड फॉर द एग्ज़ाम विल रिलीज शॉर्टली, यानी कि 3/7/2022 को जो है आपका ये जो एग्ज़ाम डेट है वो रखा गया है, और अभी जो है काफ़ी समय है, करीब जो है 15 दिनों का समय है, तो आपको जो है 7 या 8 दिनों के अंदर जो है इसका जो है एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, और जैसे ही आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज होती है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करनी है। तो आपको फिर से पता चल गया होगा कि 3/7/2022 को आपका एग्ज़ाम डेट है, और जैसे ही फिर से एडमिट कार्ड का लिंक जो है ओपन होती है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।